दोस्तों, कभी आपने नोटिस किया है कि जब हम घर में बनाना लेकर आते हैं तो उसमें कितना समय रखने के बाद भी कीड़ा नहीं लगता, लेकिन वहीं अगर कंपैरिजन में आप कोई दूसरा फल लेकर आते हैं तो वो समय के साथ सड़ने लगता है और उसमें कीड़े पड़ने लगते हैं। तो आपने कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? दूसरी चीज, जब हमारे घर में कोई पाठ पूजा होता है तो हम केले के पत्तों का इस्तेमाल क्यों करते हैं? और आपने देखा होगा कि भारत में आज के समय में भी बहुत सारी जगह पे खाना केले के पत्ते में परोसा जाता है। आप लोग सोचते होंगे ये देखकर कि उनकी कोई मजबूरी है या फिर कोई धार्मिक, मैं से कहूंगी बल्कि धार्मिक नहीं, साइंटिफिक रीजन है, क्योंकि केले के बारे में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट और केले से मिलने वाले कुछ अद्भुत फायदों के बारे में आज आपको मैं बताने वाली हूँ। केला खाना बहुत सारे लोगों को पसंद होता है, लेकिन केला खाने के बाद भी हमारे शरीर को उतना फायदा नहीं मिल पाता जितना कि मिलना चाहिए। केले में ढेर सारी मेडिकल प्रॉपर्टीज होती है। ये मेडिकल प्रॉपर्टीज हमें बहुत सारी बीमारियों से बचा के रखती है, लेकिन हमें केले को खाने का सही ढंग मालूम होना चाहिए ताकि उससे हमें मिलने वाले सारे फायदे मिल सके। इसके फायदे में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि केले में होता है एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज, तभी तो ये किसी भी बैक्टीरिया को किसी भी बीमारी से हमें कोसों दूर रखता है और अपने आप में भी कभी कीड़ा नहीं लगने देता। तभी केले को और केले के पत्ते को ज्यादा से ज्यादा धर्मों में शामिल किया गया है। आपने देखा होगा कि कभी भी आपके घर में जब पूजा पाठ होती है तो केला और उसके पत्ते जरूर शामिल होते हैं, और पूजा के समय केले का पेड़ बाहर लगाया जाता है दरवाजे पर। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसमें होता है एंटी बैक्टीरियल गुण, जो बाहर के किसी भी बुरे बैक्टीरिया को हमारे घर के अंदर प्रवेश नहीं करने देता, हमारे घर को शुद्ध रखता है। और इसके साथ साथ अब बात आ जाती है कि केले के पत्ते के ऊपर खाना क्यों रखा जाता है। केले के पत्ते के ऊपर खाना इसलिए रखा जाता है, इसलिए परोसा जाता है हमारे धर्मों में भी, हमारे ऋषि मुनियों को भी, हमारे पंडितों को भी, क्योंकि केले के पत्ते में होता है एंटी बैक्टीरियल गुण। अगर खाने में आपके कोई बैक्टीरिया जैसे हैं जो आप जिसको खाकर बीमार पड़ सकते हैं, तो अगर आप ऐसे में उसको केले के पत्ते के ऊपर रखकर खाएंगे तो उसके वो दूषित बैक्टीरिया खत्म हो जाएंगे और आपका खाना बिल्कुल प्योर हो जाएगा, तो आप उस खाने को खाने के बाद भी बिल्कुल बीमार नहीं पड़ेंगे। लेकिन उसी खाने को अगर किसी बर्तन में परोसा जाए और उसमें हो बैक्टीरिया, तो उसको खाने से आपको स्टमक इन्फेक्शन और बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। लेकिन ऐसे में केले का सही सेवन हमें जानना बहुत जरूरी है कि कब खाएं। बहुत सारे लोग क्या गलती करते हैं, केले का सेवन रात के समय करते हैं, खाना खाया और उसके बाद वो फ्रूट्स का सेवन करते हैं। लेकिन कई फ्रूट्स ऐसे होते हैं जिनकी तेजी ठंडी होती है, जिनको खाने के बाद हमारे शरीर में कफ बढ़ने लगता है। तो केले का सही समय क्या है? केले का सही समय है सुबह के समय। आप खाली पेट बासी मुंह केला खाएं और ऊपर से दूध पी लें। ऐसे में बहुत सारे लोग बनाना शेक बनाकर पीना पसंद करते हैं, लेकिन बनाना को जब हम ग्राइंडर में ग्राइंड करते हैं तो जो उसकी स्पीड होती है मशीन की, उस स्पीड से जब वो बनाना फिसता है तो उसके अंदर के बहुत जो मौजूद गुड बैक्टीरियाज होते हैं वो आधे ज्यादा खत्म हो जाते हैं, जो हमारे शरीर के अंदर फायदा नहीं दे पाता। तो ऐसे में मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप केला खाएं और ऊपर से एक गिलास दूध पी लें बनाना शेक की जगह। अब बात करते हैं कि केले से हमारे शरीर को क्या क्या फायदे हो सकते हैं। केले में होता है कैल्शियम, मैग्नीशियम, जो हमारी हड्डियों को मजबूत करता है। अगर आपको डायबिटीज है तो ऐसे में आपको फाइबर वाले पोषक तत्व ज्यादा लेने चाहिए। फाइबर वाले जिसमें विटामिन्स हो, खनिज हो, एंटीऑक्सीडेंट हो, तो ये सब का कंपाउंड क्या है? केला। तो ऐसे में अगर आप कच्चे केले का सेवन करते हैं तो आपकी डायबिटीज जल्दी कंट्रोल होती है। अगर आपके शरीर में खून की कमी है तो खून की कमी कैसे होती है? उसके अंदर हमारी लाल रक्त कोशिकाओं की कमी हो जाती है। लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण में हमें क्या चाहिए होता है? आयरन और पोलेट। तो केले में आयरन और पोलेट दोनों भरपूर मात्रा में होता है, तो अगर आप केले का सेवन करते हैं तो आप कभी भी एनेमिक नहीं होंगे, आपके शरीर के अंदर खून की कमी नहीं होगी। अगर आप सर्दी गर्मी किसी भी मौसम में आपके शरीर के अंदर बिल्कुल भी ऊर्जा नहीं रही, आप बिल्कुल लो फील कर रहे हैं, तो ऐसे में आप केले का सेवन करें। एक केला आपको डिहाइड्रेशन से बचाएगा, आपको वॉमिटिंग से बचाएगा, जो भी आपके अंदर शरीर में कमी हो रही है, और इंस्टेंट आपको एनर्जी देगा। तो आज से ही केले का सेवन शुरू करें, लेकिन सही टाइमिंग से, सही तरीके से खाएं, और ऐसे ही कुछ नया और बेहतरीन देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।